ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को माता महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा के लिए हाथी बनाने का बहुत ही सरल तरीका, जिसे हम हाथी की पूजा के नाम से भी जानते हैं। आप इस हाथी को बहुत ही सरल तरीके से पूजा के लिए बना करके 8-10 दिन पहले भी रख सकते हैं। महालक्ष्मी की इस पूजा में हाथी की पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि आपके पास माता महालक्ष्मी की मूर्ति या फोटो नहीं है, तो आप केवल हाथी की पूजा करके ही इस व्रत को पूरा कर सकते हैं, इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको हाथी बनाना सिखा रही हूँ। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप हाथी पर बैठी हुई गजलक्ष्मी माता कैसे बना सकते हैं, इसके भी दो वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप है हाथी पर बैठी हुई गजलक्ष्मी माता बहुत ही सरल तरीके से बनाना सीख सकते हैं। महालक्ष्मी की यह पूजा भादो माह के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी से प्रारंभ हो जाता है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यह व्रत 16 दिन का होता है और पूरे 16 दिन माता महालक्ष्मी की हाथी की पूजा की जाती है। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं, तो आप केवल पूजा भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिएगा, हाथी में किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हाथी बनकर के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से हाथी को सजाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम एंग श्री महालक्ष्माय नमः।